मेरा नाम प्रिया है और मैं पुणे में रहती हूँ। क्लास होने के बाद में वो भी होमवर्क करता है रोज, और कुछ जो एक्टिविटी मैम बताती है वो रिपीट करता है। वो जैसे रेनबो बनाना सिखाया था मैम ने, वो फिर से घर में बनाने लगता है मम्मी ये वो करके, और दिन भर बिजी रहता है, ये करूँ वो करूँ, पढ़ाई तो करता ही है वो। उसका टाइम जो है बचता है, उससे बहुत बेनिफिट होता है, पेरेंट्स लोग को भी होता है। दिन भर बच्चे को भेज दो स्कूल में, उसके बाद में उससे कराओ स्कूल होमवर्क वगैरह, और एक्टिविटी करने को भी नहीं मिलता है बच्चे को। मैडम उसको सवाल पूछती है, क्योंकि उसको अभी से बात करना आता है, इंग्लिश में बात करना आता है। 8:30 से 2-2:30 बजे तक के फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे का स्कूल रहता है। उसके बाद में आने के बाद में खाना खाएगा, फिर सोएगा, फिर उसको टाइम ही नहीं मिलेगा खेलने का, और उसके बाद थक इतना जाएगा होमवर्क करते करते उसका पूरा दिन, और शाम को फिर उसको सुलाओ जल्दी 8 बजे वगैरह। इसके लिए मुझे ये अच्छा लगता है कि 12:30 बजे तक ये स्कूल हो जाता है, उसके बाद में पूरा दिन उसको खेलने को मिलता है, और एक्टिविटी भी करता है वो, और कुछ भी दिन भर बच्चे के साथ में खेलता भी है, मेरे उसके छोटे भाई के साथ में। मेरे छोटे अभी बच्चे हैं, उसको भी करूँगी मैं, अभी उसको भी डालूंगी, और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी बोलूँगी मैं।